नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो बजा? मजा माने? विडियो लेक्चर मा फरी आपनो एक वार हार्दिक स्वागत छे। आजे आपने धोरण 7 विषय हिंदी विषयांक मालवजी फौजदार पाठ का प्रकार है एकांकी, उसका दूसरा दृश्य देखेंगे। हमने पहले दृश्य में देखा कि मालवजी लाचार होकर धन के लालच में आकर शिवाजी का वध करने के लिए जाता है और शिवाजी उसे मृत्युदंड देते हैं और आखिरी इच्छा मालवजी बताते हुए कहता है कि वह अपनी माँ को एक बार देखना चाहता है। मालवजी को जाने दिया जाता है और शिवाजी जो है तानाजी से कहते हैं कि तानाजी मैं यदि ये बालक की परीक्षा ले रहा हूँ, यदि ये बालक जो है वापिस आ गया तो मैं इसे सेना में भर्ती कर दूंगा। और तानाजी शिवाजी की बात पर मुग्ध हो जाते हैं और उसे प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। अब हम दूसरा दृश्य देखेंगे। दूसरा दृश्य जो है उसका स्थान है शिवाजी के दुर्ग का कमरा और दोपहर का समय। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। यानी दुर्ग यानी किला, किले का कमरा यानी उनके महल, महल का कमरा है। दोपहर का समय है। शिवाजी जो है तानाजी से कहते हैं कि तानाजी पता नहीं मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध यानी बहुत सारा प्रेम जो है वो उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी को जब महाराज कहते हैं कि मुझे उस बालक के प्रति प्रेम उमड़ रहा है और मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, तो तानाजी जो है वह कहते हैं कि महाराज इसका कारण यह है कि उनकी वीरता और साहस के कारण आपको उनकी ओर से अति अगाध यानी अगाध प्रेम जो है उमड़ रहा है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं। यानी कि उनकी वीरता और साहस के कारण ही आपके अंदर ऐसा हो रहा है। शिवाजी कहते हैं कि सच कहते हो ताना जी आप, क्योंकि उसकी वीरता पर मैं मुग्ध हो गया हूँ, मैं प्रसन्न हो गया हूँ। इतनी छोटी सी अवस्था यानी आयु में इतना साहस, जीत शिवाजी के नाम से, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उस शिवाजी के सामने यह बालक वीरता पूर्वक कितने साहस के साथ नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया था और यह कार्य करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए मैं उसके वीरता और साहस पर मुग्ध हो गया हूँ। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान प्रवेश कर, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है, शिवाजी उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालवजी का प्रवेश। तानाजी जो कहते हैं, जब शिवाजी कहते हैं कि सच है उस बालक में बहुत बड़ा साहस है, जो मेरा नाम सुनकर कहते हैं कि मुगल साम्राज्य, मुगल सेना कांपती है, वह बालक उस शिवाजी के सामने इतना साहस करता है इतनी छोटी सी अवस्था में, तो तानाजी कहते हैं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है। और तभी एक दरबान जो है वो प्रवेश करता है और महाराज यानी शिवाजी से कहता है कि महाराज एक बालक जो है आपसे मिलना चाहता है। तब शिवाजी कहते हैं कि उसको अंदर बुला लाओ और दरबान के साथ मालव जी जो है अंदर प्रवेश करते है। मालव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। मालव जी ने आकर क्या कहा कि महाराज आपका जो अपराधी है यानी कि मैं, मालव जी खुद कहता है कि मैं मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत हूँ।
शिवाजी, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत ना पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले एक बात और मांगता हूँ। महाराज ने पूछा मालव जी से कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मालव जी ने कहा कि महाराज, आपसे विदा होकर मैं अपनी माँ से मिलने के लिए गया, तो माँ मेरी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर, देर होने के कारण बहुत चिंतित थी, और मुझे देखकर उसने मुझे छाती से लगा लिया। पहले तो मुझे हुआ कि मैं सारा भेद, यानी कि ये सारी बात जो है वो अपनी माँ को बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं माँ को बता सकूं। यानी कि माँ से मिलकर मैं इसीलिए तुरंत लौट आया, और मरने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक विनती करना चाहता हूँ। मेरी एक और इच्छा है। तब शिवाजी कहते हैं, कहो वह कौन सी बात है? मालव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर, आप धन्य है। देखो शिवाजी, जब मालव जी ने कहा कि आपको मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहता हूँ, यानी कि एक और बात मांगता हूँ आपसे, तब शिवाजी कहते कि अच्छा चलो कहो, बताओ कौन सी बात है। तो मालव जी जानता है, मालव जी को तो पता नहीं है कि शिवाजी जो है वो उनकी परीक्षा ले रहे, इसलिए वो जानता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है, उसे मृत्युदंड दिया जा रहा है। तो उसके बाद उसकी माता का पालन पोषण कौन करेगा, उनका भरण पोषण कौन करेगा? इसलिए वो शिवाजी से कहता है कि मेरी माँ के देखरेख का समस्त भार जो है आप अपने ऊपर ले लीजिए। और तभी शिवाजी जो है वो कहते हैं कि वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी जो है वीर पुत्रों का आदर करता है, ना कि उनकी हत्या। यानी शिवाजी वीर पुत्रों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए। यानी शिवाजी ने कहा कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो तुम्हारी परीक्षा थी, और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। मैं तुम्हारा अपराध जो है वो क्षमा करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि महाराज, आप धन्य है। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इस चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। शिवाजी जो है वह मालव जी से कहते हैं कि बे पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माँ के दुख को लेकर दुखी हो रहे हो, उसी प्रकार मैं रात दिन मैं भी दुखी रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ कि मैं किस प्रकार भारत माता का जो ये दुख है वह दूर करूं। मालव जी, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। यानी महाराज की बात सुनकर मालव जी जो है वह कहता है कि महाराज, यह शरीर आपका है। यानी कि महाराज ने उसे क्षमा याचना दी है, जीवन का दान दिया है, उसे माफ कर दिया है, उसे मृत्युदंड नहीं दिया है, इसलिए ये शरीर किसका हुआ? शिवाजी महाराज का। इसलिए मालव जी कहता है कि ये शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। यानी मातृभूमि की सेवा करते समय अपने प्राणों की चिंता नहीं करूंगा, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दूंगा। शिवाजी वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी कहते हैं कि वीर पुत्र, मुझे तुमसे यही आशा थी, यही उम्मीद थी। और यहाँ पर कहते हैं कि यह कहानी जो है, एकांकी जो है, वह
पूर्ण होती है। यानी कि इस एकांकी के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम जो है वह हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है कि किस प्रकार मालव जी जो है वह कर्तव्य पालन भी करता है, मातृ प्रेम भी दिखाता है और आज्ञा का पालन भी वह किस प्रकार, प्रतिज्ञा का पालन भी किस प्रकार करता है, यह हमें दिखाई देता है। यानी दूसरी ओर महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की उदारता और राष्ट्र प्रेम को भी इस कहानी में हमें दिखाया गया है। और साथ ही शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। तत्पर यानी तैयार, कष्ट यानी दुख पीड़ा, कर्तव्य यानी फर्ज, मुग्ध यानी मोहित, पर्याप्त यानी काफी, वत्स यानी बालक, आप पुत्र भी कह सकते हैं, दुभर यानी कठिन, दायित्व यानी जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, चेष्टा यानी प्रयत्न, अगाध यानी गहरा या अपार। अब हम मुहावरे देखेंगे। मुहावरों में प्राण न्योछावर करना, यानी जीवन समर्पित करना, फिर वध करना, वध करना यानी हत्या करना, या फिर मार डालना, हिम्मत न पड़ना, हिम्मत
पढ़ना, यानी बात न कर सकना, बात न कर सकना। जीवन दान देना, जीवन दान देना, यानी जिंदा जाने देना, जिंदा जिंदा जाने देना। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। हमने शब्दार्थ और मुहावरे देखे, अब हम शब्दार्थ और मुहावरों के बाद स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से दो कारण बताता है। मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए बताता है कि उनके पिताजी जो है उनकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी है। आज 3 महीनों से हमें दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था और इसी कारण मैं आपका वध करने के लिए तैयार हो गया। कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए, क्योंकि उनके जाने की आवश्यकता नहीं थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो शिवाजी महाराज का कर्तव्य था, इसलिए वह महाराज के पास नहीं गए। मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? मृत्युदंड के पहले बालक ने अपनी माता के दर्शन करने की भीख मांगी। शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे सेना में भर्ती करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है, लिखिए। जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? यह उक्ति जो है शिवाजी मालव जी से कहते हैं। मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यह उक्ति जो है मालव जी छत्रपति शिवाजी महाराज से कहते हैं। मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। यह उक्ति जो है तानाजी जो है वह शिवाजी महाराज से कहते हैं। तुम्हारे ही जैसे सेनानायकों पर भारत माता गर्व करती है। यह उक्ति महाराज यानी शिवाजी महाराज जो है तानाजी से कहते हैं। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। यह उक्ति जो है दरबान छत्रपति शिवाजी महाराज से कहता है। मैं तुमसे यही आशा करता हूँ, शिवाजी महाराज जो है मालव जी से कहते हैं। महाराज यह शरीर आपका है, मालव जी जो है वह शिवाजी महाराज से कहते हैं। अब होमवर्क में आपको स्वाध्याय के
स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 3 और 4 एक बार लिखने हैं। क्या करना है? स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 3 और 4 एक बार लिखने हैं।